Yes, students, now let's revise worksheet 2. Measure the angles of the triangle given below. ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, आपने इसके एंगल्स को मेजर करना है, यानी कि इसको मापना है कि ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं. एंड व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, और इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है. बच्चे, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि मेजर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करना है. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी. डेट इज ये जो डी है मेरे पास. ठीक है, तो आपको डी की हेल्प पड़ेगी. ठीक है, इसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी डी की. तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से इसको प्लेस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू प्लेस हेयर. और जो लाइन है बच्चे, वो लाइन से लाइन मिलनी चाहिए. ठीक है, लाइन से लाइन इस तरह से मिलनी चाहिए, लाइक दिस. और अब आप देखिए कि कहाँ पे लाई कर रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं जूम कर रही हूँ उसको, 70 और 60 के बीच में लाई कर रहा है. बिल्कुल ये ठीक ये वाली जो लाइन है, यानी कि 65 डिग्री. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो नीचे ये वाला जो एंगल जो पॉइंट आउट कर रहा है 65 की तरफ, यह हम लिखेंगे 65 डिग्री. ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था. और जो ये वाला एंगल है बच्चे, ये आपका 50 डिग्री का है. राइट, ये देखिए, अब मैंने राइट से मेजर किया है ना, यहां तो मैंने लेफ्ट से मेजर किया था. जब मैंने लेफ्ट से मेजर किया था तो मैंने क्या देखा था, जो नीचे वाले नंबर है मैंने उसको देखा था. लेकिन अगर हम राइट से मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर है इनको देखेंगे. अगर हम राइट से मेजर कर रहे हैं, डी को हम राइट में रख रहे हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ राइट पे अगर हम रख रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है बच्चे, आपने इसको देखना है, नीचे वाले को नहीं देखेंगे. लेफ्ट से मेजर करेंगे तो नीचे वाले नंबर्स देखे जाएंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे. ठीक है, जहां भी वो पॉइंट आउट होगा. अगर आप राइट से मेजर कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर देखना पड़ेगा. अब ये ऊपर वाला नंबर जो है मुझे दिख रहा है 130 के ऊपर, ये 50 दिख रहा है. ठीक है, 130 के ऊपर ये जो 50 है, तो इसका मतलब ये 50 डिग्री का एंगल है. लाइकवाइज अब यहाँ पे भी आप इसको रख के मेजर करेंगे बच्चे, तो ये आपका 65 डिग्री का एंगल बनेगा. यू कैन मेजर लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, मिडल में आ रहा है ये 60 और 70 के, तो ये आपका 65 डिग्री का है. तो इसका जब हम सम करेंगे देन वी विल गेट 180 डिग्री. तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 65 प्लस 65 व्हाट इट बिकम, दिस बिकम 130, एंड 130 प्लस 50 दिस इज 180 डिग्री. तो जो प्रॉपर्टी थी हमारी, जो हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो हो रही है कि ट्रायंगल में कोई भी मेजर का एंगल हो, उसका सम ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा. राइट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. तो यहां पे बच्चे आपको क्या करना है, यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आपने जैसे कि यहां पे लिखे ना, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. जो थ्री एंगल्स हैं ट्रायंगल के, वो मेजर है. यानी कि अब यहां पे आप क्या करेंगे, आप ऐड करके इसको चेक करेंगे. ठीक है, अगर 180 डिग्री बन रहा है, दैट मींस कि हम ये वाले मेजर्स ले सकते हैं और इनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं. तो वहां आप यस लिखेंगे अगर इसका सम 180 बनता है. ठीक है, अगर 180 सम नहीं बन रहा, तो आपको वहां पे क्या लिखना है, नो लिखना है कि वो मेजर हम नहीं ले सकते और उस मेजर से हम ट्रायंगल भी नहीं बना सकते. ठीक है, इसका मतलब ये है. हाँ जी, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद टू राइट एंगल्स. क्या आप दो राइट एंगल से एक ट्रायंगल बना सकते हैं. राइट एंगल आपको मैंने बताया है कि राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का हो. ठीक है, तो क्या एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं. अगर आप खुद इमेजिन करें और आप ड्रॉ भी करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कभी भी 90 डिग्री के एंगल जो हैं दो, वो नहीं बनेंगे ट्रायंगल में. कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बेंट तो करना पड़ेगा लाइन सेगमेंट को, है ना. लाइन को अगर हम बेंट नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा. ये देखिए आप, एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये 90 डिग्री का है सपोज, और इधर भी मैंने 90 डिग्री बनाया. ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या इसका ट्रायंगल बनेगा. इसमें से तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है. ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, 1 2 3, ये तीनों साइड्स है मेरे पास, लेकिन ये तीनों साइड्स ट्रायंगल तो नहीं बना रही.
है ना, ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स विल नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उनका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 90-90 के बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ और लाइन भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी और कुछ और एंगल भी लेना पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, और उसका सम भी जो है वो 180 से एक्सीड कर जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हम दो राइट एंगल्स नहीं बना सकते एक ट्रायंगल में, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं विद टू ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो। अगर आप दो एंगल्स ऑब्ट्यूज ले लेंगे जो 90 से बड़े हैं बच्चे, तो वहां पे वो 180 से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, 180 से क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। थर्ड एंगल आप ऐड करेंगे वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 180 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका सम। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तीनों एंगल्स को, तो जो तीनों एंगल का सम है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो हमारी जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता। तो यहां पर भी जो आंसर है वो नो रहेगा, और रीजन इसका सेम रहेगा। ठीक है, रीजन यही वाला हमने लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था। ओके,